नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आरजे स्पोर्ट्स अड्डा चैनल में। टाटा आईपीएल 2022 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच आठवां महामुकाबला मैच खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार 7:30 पर शुरू होने वाला है और यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच काफ़ी रोमांचक और शानदार होने वाला है और आज के इस वीडियो में आज हम दोनों टीमों के प्लेइंग 11 की कंपैरिजन करने वाले, साथ ही फैंटेसी टीम और मैच प्रेडिक्शन करने वाले। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप भी इस मैच का इंतजार कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ ही टाटा आईपीएल के तमाम छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स, श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स अपना पिछला मुकाबला आरसीबी से हार के आ रही है। वहीं मयंक अग्रवाल की टीम पंजाब किंग्स अपना पिछला मुकाबला आरसीबी से जीत कर आ रही है। इस महामुकाबले मैच के लिए दोनों टीमों के प्लेइंग 11 की कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपनर्स की। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओपनिंग की जिम्मेदारी वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे पर है। पंजाब किंग्स में ओपनिंग करने वाले हैं शिखर धवन और मयंक अग्रवाल। अगर दोनों टीमों के ओपनर्स की कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर पंजाब किंग्स का पराड़ा भारी लग रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स के दोनों ओपनर्स पिछले दो मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। वहीं पंजाब किंग्स के दोनों ओपनर शिखर धवन और मयंक अग्रवाल ने अपने पिछले मुकाबले में एक अच्छी पारी खेलकर आउट हुए थे। शिखर धवन ने 43 रन और मयंक अग्रवाल ने 32 रन की पारी खेलकर टीम को तेज शुरुआत दिलाई थी। तो यहाँ पर पंजाब किंग्स के ओपनर बेहतर लग रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों की मिडिल ऑर्डर की। कोलकाता नाइट राइडर्स के नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे कप्तान श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पर नीतीश राणा, वहीं नंबर 5 पर सैम बिलिंग्स, जबकि पंजाब किंग्स के नंबर 3 पर भानुकर राजपक्सा, नंबर 4 पर लिविंग स्टोन, नंबर 5 पर राज बावा। अगर दोनों टीमों की मिडिल ऑर्डर की कंपेरिजन करें तो यहाँ पर दोनों टीमों का मिडिल ऑर्डर लगभग बराबर लग रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर यहाँ पर थोड़ा सा अनुभवी लग रही है पंजाब किंग्स के मुकाबले। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ नंबर 6 पर सुनील, नंबर 7 पर सेल्डन जैक्सन, नंबर 8 पर आंद्रे रसल आने वाले हैं। वहीं जबकि पंजाब किंग्स की तरफ से नंबर 6 पर शाहरुख खान, नंबर 7 पर ओडेन स्मिथ, नंबर 8 पर हरप्रीत बेर होंगे। अगर दोनों टीमों की मिडिल ऑर्डर की कंपेरिजन करें तो दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर का भी थकड़ा लग रहा है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सुनील नारायण, मसल रसल मैच को फिनिश करेंगे। वहीं पंजाब किंग्स की तरफ से ओडेन स्मिथ और शाहरुख खान मैच की फिनिश करने की जिम्मेदारी होगा। तो यहां पर दोनों टीमों का मिडिल ऑर्डर लगभग बराबर लग रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों बॉलिंग अटैक की। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से नंबर 9 पर टीम सऊदी, नंबर 10 पर उमेश यादव और नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती रहने वाले हैं। वहीं पंजाब किंग्स की तरफ से नंबर 9 पर अर्शदीप सिंह, नाथन इल्स को मौका मिल सकता है और राहुल चहर होंगे। अगर दोनों टीमों की बॉलिंग अटैक की कंपैरिजन करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स का पड़ा भारी लग रहा है। टीम सऊदी उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती बहुत ही घातक और अनुभवी गेंदबाज हैं। पंजाब किंग्स के गेंदबाज केकेआर की तुलना में थोड़ा सा कमजोर लग रहे हैं। अगर दोनों टीमों को ओवरऑल कंपैरिजन करें तो केकेआर ज़्यादा मजबूत लग रही है पंजाब किंग्स के मुकाबले। मैच प्रिडिक्शन की बात करें तो आज का मैच केकेआर की टीम जीत सकती है। अब हम बात करने वाले हैं उन 5 खतरनाक खिलाड़ियों की जिनको हम फैंटेसी टीम में किसी भी हालात में मिस नहीं करना है। इस लिस्ट में पंजाब किंग्स के शिखर धवन, नंबर 2 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 3 पे ओडेन स्मिथ, नंबर 4 पे उमेश यादव और नंबर 5 पे आंद्रे रसल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फैंटेसी टीम में इन 5 खिलाड़ियों को आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये 5 खिलाड़ी आपको अच्छे पॉइंट देने वाले हैं। आपके हिसाब से कौन सी टीम ज़्यादा खतरनाक और दमदार है, कौन सी टीम मैच को जीत सकती है, कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।